भारत ने आखिरकार एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से अब हर वो देश पिसेगा जो चीनी सामान को भारत में डंप करने की कोशिश कर रहा है। इसका हाल ही में काफी बड़ा सबूत मिला है और भारत के साथ FTA साइन कर चुका साउथ ईस्ट एशियन देश अब भारत के गुस्से का शिकार होने वाला है। दरअसल चीन ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए नया तरीका निकाला है और तरीका ये कि वो अपने बनाए सामान को ऐसे देशों के जरिए एक्सपोर्ट कर रहा है जिन देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। ये नया देश है वियतनाम, जहां चीन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है और एक ऐसा प्रोडक्ट और सेक्टर भारत की नजर में आ चुका है जिसकी वजह से भारत को वियतनाम से नुकसान पहुंच रहा था। दोस्तों, भारत के DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के पास भारतीय ग्लास मैन्युफैक्चरर की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी की शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत में कहा गया कि वियतनाम से इल्लीगली भारत में टेम्पर्ड ग्लास की डंपिंग की जा रही है। कंपनी का नाम लेते हुए यहाँ ये बताया गया कि बोरोसेल रिन्यूएबल लिमिटेड की तरफ से ये शिकायत दर्ज की गई है और इस डंपिंग की वजह से काफी बड़ा नुकसान भारतीय कंपनी को उठाना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल एक बड़े स्तर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल फोन, बुलेट प्रूफ शीशे, हाउस होल्ड आइटम जैसे माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर में टेम्पर्ड ग्लास की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। 2022 की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल $3.5 billion केवल मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास इम्पोर्ट करता है और टेम्पर्ड ग्लास की ग्लोबल मार्केट वैल्यू करीबन $46 billion के आसपास है, जिसका करीबन 60% शेयर चीन डोमिनेट करता है। बचे हुए हिस्से पर थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश कब्जा जमाए हुए हैं। अब हो ये रहा है कि कुछ चीनी फैक्ट्रीज वियतनाम के अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस से ऐसे टेम्पर्ड ग्लास एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं और ग्लास एक ऐसी चीज है जिसका असल में कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता लगाना काफी मुश्किल है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट की डंपिंग को रोक पाना भी मुश्किल होता है। हालांकि बोरोसेल ने अपनी तरफ से छानबीन में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं जिससे प्रूफ हो जाता है कि वियतनाम से डंपिंग के पीछे चीन का काफी बड़ा हाथ है। खैर, इसके अलावा भी भारत की पहली मोबाइल स्क्रीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सेटअप होने जा रही है। US कॉर्निंग INC देश में पहली बार मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले गोरिल्ला ग्लासेस का प्रोडक्शन शुरू करेगी और 934 करोड़ की लागत से इस यूनिट को तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोडक्शन यूनिट की वजह से भारत में बने हैंडसेट में इंडिजिनाइजेशन और बढ़ सकेगा। अभी तक भारत में बने हैंडसेट की गोरिल्ला ग्लास कॉर्नरिंग की चीन बेस्ड यूनिट से इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब आप इस स्क्रीन को भारत में बनता हुआ देख पाएंगे। लेकिन इस एंटी डंपिंग ड्यूटी पर अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन का शुरू होना अभी बाकी है। कम से कम इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 महीने लग सकते हैं और इस दौरान वियतनाम से डंपिंग चालू रहने वाली है। दिक्कत यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस पर भारतीय सरकार चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती। बाकी वियतनाम पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर वियतनाम को भारत से लिया गया पंगा भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होने का फायदा ये है कि भारत को सबसे बड़े मार्केट होने का खिताब हासिल है और चाहे छोटा हो या बड़ा, भारत के मार्केट में कई सारे देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में एक और देश आ चुका है जिसके लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर खुद चीन है। यहाँ साफ तौर पर जाहिर है कि भारत के खिलाफ चीन एक और देश को खड़ा कर रहा है और आज की ये खबर काफी चिंताजनक है। जिस देश की हम बात आपसे कर रहे हैं, उस देश ने पहले के मुकाबले भारत को एक्सपोर्ट तो कई गुना बढ़ाया लेकिन साथ ही भारत से इंपोर्ट को पहले के मुकाबले घटा दिया। ये देश है कंबोडिया, जिसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन और कंबोडिया के 33% मार्केट में फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स राज करते हैं। हाल ही में आई चिंताजनक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया से भारत को होने वाले एक्सपोर्ट में 55% का उछाल आया है और 2023 के पहले 11 महीनों में कंबोडिया भारत को $264 मिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है। अब बायलेटरल ट्रेड को देखते हुए भले ही एक अच्छी ये खबर है, लेकिन भारत को इस व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है।
कंबोडिया के बढ़े हुए एक्सपोर्ट की वजह से भारत और कंबोडिया के बीच बाइलेटरल ट्रेड की वैल्यू को 443 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन कंबोडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ भारत से इम्पोर्ट को 22% गिरा दिया है। आपको बता दें कि कंबोडिया मेजरली आज भारत को टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत से कंबोडिया आज की डेट में मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट कंबोडिया में भारतीय टूरिज्म 126% बढ़ा है और हम भारतीय कंबोडिया के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये डेटा काफी खतरनाक फैक्ट के साथ भी आता है। कंबोडिया चीन के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह काम करता है, जिसमें रॉ फैब्रिक, रबर, सी फूड और ऐसी कई सारी चीजें कंबोडिया से चीन को एक्सपोर्ट की जाती हैं, और कंबोडिया चीन से फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट करता है, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे प्रोडक्ट और टेक्सटाइल मशीनरी शामिल होती है। इसके लिए खुद भारत काफी बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ से लगे इंपोर्ट के प्रतिबंधों के चलते चीन दूसरे देशों को अपने गेटवे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब चीन की वजह से कंबोडिया ने अपने एक्सपोर्ट को भारत को बढ़ा दिया है। मतलब एक तरफ से कंबोडिया भारत के साथ एफटीए का इस्तेमाल करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सामान को चीनी सामान से रिप्लेस करने में भी लगा हुआ है। कंबोडिया के कुल एक्सपोर्ट में 70% हिस्सा केवल टेक्सटाइल का है। अब बांग्लादेश और वियतनाम की तरह भारतीय बाजार को कंबोडिया टेक्सटाइल से भरे जा रहा है। आज आप किसी बड़े मॉल में गारमेंट स्टोर में चले जाइए, आपको 50% से ज्यादा गारमेंट पर मेड इन बांग्लादेश या मेड इन वियतनाम देखने को आसानी से मिल जाएगा। सरकार और हम जैसे कंज्यूमर्स को पता है कि इसकी वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि हम प्रोडक्ट्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन के टैग पर ध्यान नहीं देते और बिना सोचे समझे भारतीय कपड़ों की जगह विदेशी सामान खरीद लेते हैं। धन्यवाद।